ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रैटेजिक सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडिटोरियल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मीडिया इनिशिएटिव आदि क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले श्री राधे श्याम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कंटेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध श्री राधे श्याम दीक्षित जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेब प्रिंट और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ही साथ प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में वर्षों से अधिक का लिटरेचर एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर चुके श्री श्याम दीक्षित जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया राइटिंग भी किया है दूरदर्शन दैनिक जागरण आकाशवाणी इंडिया न्यूज सुदर्शन टीवी आदि प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध कर चुके श्री श्याम दीक्षित जी वर्तमान में सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं रूरल वायर नाम के प्रोजेक्ट के जरिए समाज में सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत श्री श्याम दीक्षित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड ऑन्टरप्रन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद नमस्ते मैं हूँ राधेश्याम दीक्षित और आज आप बिज़नेस पाठशाला में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आपके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अगर आप उद्यमी हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कृषि करते हैं तो बहुत ही जरूरी है और अगर आप बेमौसम सब्जियों को के खाने का शौकीन हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि आपकी सब्ज़ी बिना मौसम के बिना जलवायु के आखिर तैयार कैसे होती है और तैयार होती है तो उसकी प्रक्रिया क्या है और आपके लिए आ, कितने लोग मेहनत करते हैं साथियों बात करने जा रहे हैं आज ग्रीन हाउस ऑटोमेशन की ये वो तकनीक जिसके जरिए आप कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में आप कोई भी फसल उगा सकते हैं खास करके बंद एनवायरनमेंट में और साथियों ये तकनीक है ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस भी जब ऑटोमेट हो यानी कि आपको आ, फिक्र आ, करें या न करें लेकिन व्यवस्था आप ऐसी बनाएंगे कि वो खुद ब खुद फिक्र करेगी और आपकी खेती बड़े ही ऑटोमेटेड तरीके से होगी समय पर सिंचाई होगी समय पर खाद मिलेगी समय पर आ, उसको रोशनी मिलेगी ऊर्जा मिलेगी और पूरी तरह से आ, जो ज़रूरी तत्व हैं वो सब आ, ग्रीन हाउस के ज़रिए उपलब्ध होंगे तो साथियों हो इस पूरी तकनीक के बारे में हम जानेंगे लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप इसे सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं और पूरी तरह अमल में लाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी इससे बदल सकती है लेकिन ये बदलेगी तब जब आप डायरी और कलम तैयार रखेंगे और आप ज़रूरी बिंदु ज़रूर नोट करेंगे और इस वीडियो के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए दिल दिमाग के साथ तैयार होकर सुनेंगे तो साथ ही शुरू करते हैं ग्रीन हाउस ऑटोमेशन पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये बे आ, सारी जो सब्जियां हमारे बाज़ार में आती हैं या फल हमारे पास आते हैं वो सब आखिर आते कैसे हैं और उसका तरीका क्या है कि अगर मौसम अनुकूल नहीं है अगर जलवायु अनुकूल नहीं है अगर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं तो आखिर हम उन सब्जियों को तैयार कैसे करते हैं ये बड़ा सवाल है आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि सबको सब तरह की सब्जियां एक एनवायरमेंट में रखी जाती हैं सुरक्षित रखी जाती हैं और आराम से आ, दो महीने चार महीने छः महीने या साल भर बाद निकाल कर आपको बाजार में उपलब्ध करा दी जाती हैं साथियों ऐसा है नहीं कुछ सब्जियां तो ज़रूर कुछ लंबे समय तक रखी जा सकती हैं लेकिन अधिकतर सब्जियां इतने लंबी अवधि तक स्टोर नहीं की जा सकती उनकी पेरिशबल जो आयु है वो बहुत कम होती है और उनको उगाने के लिए एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं वो है ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस क्या है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में तफसील से जानेंगे समझेंगे और पूरी उसकी तकनीकी एक एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आप भी ऐसा ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं तो बना सकें और छोटे इकाई भी बनाना चाहते हैं वो भी मुमकिन है क्योंकि तकनीक निरंतर आगे बढ़ रही है हर किसान के पास हर उद्यमी के पास वो सुविधाएं संसाधन पहुंच सकें इसकी कोशिशें निरंतर जारी हैं कंपनियां भी अपना काम कर रही हैं वैज्ञानिक भी अपना काम कर रहे हैं और जो प्रगतिशील किसान हैं वो हम कदम हैं साथियों आप छत पर भी एक छोटा ग्रीन हाउस बना सकते हैं खाना कमाल की बात तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी और समझने की कोशिश करते हैं और इस पूरी जो पूरा हमारा प्रेजेंटेशन है उसके अंत में कुछ आपके ज़िंदगी में आपके जीवन में आपके दिमाग में आने वाले सवालों को भी हम लेंगे और आखिर में सीधे होंगे आपसे रूबरू ताकि हम बात कर सकें तो शुरू करते हैं ग्रीन हाउस ऑटोमेशन साथियों ग्रीन हाउस क्या है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है जरूरी। तो ग्रीन हाउस एक ऐसी एक ऐसा तंत्र है ऐसा ढांचा है जिसके अंदर ज़रूरी जितनी भी तत्व हैं आ, खेती के लिए या किसी पौधे की ग्रोथ के लिए उसके विकास के लिए उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं आ, अब तक ये जो काम होता था उस ग्रीन हाउस को बनाने के लिए ग्लास हाउस बनाते थे यानी शीशे कांच के पारदर्शी आ, जो शेड होते थे उसके नीचे खेती होती थी जो कि चारों तरफ से बंद होती थी उन कांच की जगह पर अब आ, हाउस ने रिप्लेस कर दिया है उन्हें और इस तरह की पॉलीथीन की शीट आने लगी है जो कांच की तरह का व्यवहार करती है और काम और ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से करने में मदद करती है तो इस तरह का ग्रीन हाउस जिसमें हीटिंग कंट्रोल की जा सके जो उसमें वॉल्स हैं वो कंट्रोल्ड हों और जो रूफ है वो ट्रांसपेरेंट हो और साथ में ऐसी तरीके से ढांचे बनाया जाए जिससे कि बाहर के वातावरण का प्रभाव अंदर ना होने पाए और अंदर के वातावरण के जो नियंत्रित है उसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए या उसमें कोई बाहरी तत्व इनफिल्टर ना कर पाए तो इन सब इस तरह के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को हम ग्रीन हाउस कहते हैं साथियों ये एक लोहे के स्ट्रक्चर पर खड़ा लोहे या अलूमिनियम का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर पॉलीथिन की शीट लगी होती है और उसके बाहर कंट्रोल्ड इन्वायमेंट करने के लिए ऐसा सील पैक किया जाता है ताकि जब भी आप प्रवेश करते हैं तो आपके साथ ऐसे कोई हानिकारक कीट या बाहर का कोई ख़तरनाक इन्फेक्शन अंदर न जाने पाए और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है जिसमें ड्रिप इरीगेशन के जरिए सिंचाई करने का साधन होता है और वो ड्रिप इरिगेशन के जरिए बहुत कंट्रोल्ड वाटर या ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है और इसके साथ में जो सॉयल है उसको भी ट्रीट करके तैयार किया जाता है या फिर एक अलग तरह का स्ट्रक्चर भी बनाकर उसमें चाहे कोकोपीट चाहे दूसरी तरह का मीडिया इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी रूट्स ग्रो करती हैं उनकी ग्रोथ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है जिससे कि उसमें उसकी फलत भी अच्छी होती है जिससे कि उनकी उपज भी अच्छी होती है क्वालिटी भी अच्छी होती है उनकी रंगत भी अच्छी होती है और तभी बाज़ार में कीमत भी अच्छी होती है और अगर वक्त से पहले या जब सीज़न ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर वो उत्पादन बाज़ार में आप लेके जाते हैं तो सामान्य तौर पर जो कीमत आपको मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा कीमत आप हासिल कर पाते हैं और ये सब तब मुमकिन हो पाता है जब उन परिस्थितियों का नियंत्रण आपके हाथों में हो आपके दिमाग से वो कंट्रोल हो सके और ये दिमाग भी अगर आदमी का होगा तो मुमकिन है कि कभी गलती भी हो जाए लेकिन अगर एक कंप्यूटराइज सिस्टम एक ऐसी डिवाइस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे ये कनेक्ट हो जाए तो आप बेहतर ढंग से उसका संचालन ससमय यानी निश्चित समय पर कर पाएंगे और उससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे आ, इस बीच चूंकि एक कंट्रोल्ड रेगुलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशन जो क्रिएट होती है उससे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं वो उनकी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति होती है और सब में पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं जो कि अमूमन खेत में कई बार नहीं हो पाता और साथ में इसके साइजेस भी आप छोटे बड़े कर सकते हैं इनके अलग अलग डिवीज़न कर सकते हैं एक साथ कई तरह के आप पॉलीहाउसेज या ग्रीन हाउसेज बना सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह की सब्जियों को आप अलग अलग लगा सकते हैं कई तरह की सब्जियों को मिश्रित रूप में भी लगा सकते हैं कम लेबर में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं केवल एक टाइम का बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आ, इसके साथ में छोटे छोटे पॉलीहाउस या आप ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं तो साथियों ये है पूरा ग्रीन हाउस तस्वीरों के जरिए वीडियो के ज़रिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये ढांचा कितना किफ़ायती और कितना उपयोगी होता है इसमें वीड्स का कंट्रोल भी काफ़ी हद तक रहता है कुछ वीड्स उगती भी हैं तो उनका निस्तारण भी आसानी से किया जा सकता है मिट्टी की जो जो आवश्यकता है उसके जो बैक्टीरिया हैं या जो मित्र कीट हैं उनको हम पॉली हाउस के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से रख सकते हैं इसलिए हमें कीटनाशकों की जरूरत न्यूनतम या ना के बराबर रहती है तो इसलिए यह ग्रीन हाउस हमें वातावरण को नियंत्रित करके अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के समय पर उत्पादन करने की सुविधा देते हैं ताकि हम ज्यादा मुनाफा कमा सकें और बस इसमें जरूरी है तो जिम्मेवारी और मुस्तैदी क्योंकि ये खेती ला, लापरवाही से नहीं चलेगी इस खेती में आपको मुस्तैद रहना होगा साथियों जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस ऑटोमेशन की तो ग्रीन हाउस तो आपने समझ लिया लेकिन यह ऑटोमेशन क्या है आ, ऐसे तो ऑटोमेशन की बात करते हैं कि आज गाड़ियां जब आप लेते हैं तो कं, कंप्यूटराइज होने लगी कि चाबी की जगह आप एक बटन दबाते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है आपके पास गियर बदलने के लिए लीवर की जगह पर आप रोटेटरी छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जिसको आप घुमा करके गियर शिफ्ट कर सकते हैं इवन जो फोर व्हील ड्राइव्स होते हैं इसमें टू व्हील एयर रखना है या फोर व्हील आप चेंज कर सकते हैं इन सिमिलर वे उसी तरह से जो खेती है उसमें भी सारी चीज़ों का नियंत्रण आपके उंगलियों में या आपके थम में या आपके किसी लीवर पर या मैनुअल किसी स्विच पर नियंत्रित हो सकता है यह सब करने की जो तकनीक है जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन यानी ज़रूरत के समय पर पानी अपने आप उपलब्ध हो जरूरत के समय पर तापमान में गिरावट करना हो या उसमें वृद्धि करनी हो ये दोनों नियंत्रित हों ह्यूमिडिटी बढ़ानी है तो पानी और हवा दोनों का मेल हो पाए तापमान का मेल हो पाए और हमें जिस तरह का जितनी रोशनी चाहिए वो रोशनी भी हम कंट्रोल कर सकें ये सब होगा ऑटोमेटेड सिस्टम से और ये पूरा कंप्लीट सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन कहलाता है इसमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस भी हैं और साथ में सब कुछ कंट्रोल करने के लिए इसमें जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होता है उनको अलाइन करना होता है उनको इंस्टॉल करना होता है उसकी भी ज़रूरत होती है ताकि ये ग्रीन हाउस इफेक्टिव हो परिणामदायक हो ज़्यादा लाभदायक हो तकरीबन पचास साल पहले ये तकनीकें आई थी और दुनिया के दूसरे देशों से होते हुए भारत में भी ये पहुंची और इसमें इसका लाभ हम लोग ले रहे हैं और लगभग देश के हर हिस्से में इस तरह के ग्रीन हाउस या पॉलीहाउस लगाए जा रहे हैं और उसमें सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसान खास करके जो कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं उनके लिए बड़ी कारगर है और अगर वो इन्वेस्टमेंट कर पाने की स्थिति में है या वो जिम्मेदारी से जवाबदेही से काम करते हैं तो वो लोन लेकर या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेकर या फिर अन्य तरह की स्कीम्स का फायदा लेकर इस काम को कर सकते हैं साथियों ग्रीन हाउस ऑटोमेशन ऐसे तो ऑटोमेशन भी आपने समझ लिया ग्रीन हाउस भी समझ लिया लेकिन ग्रीन हाउस ऑटोमेशन में स्पेसिफिक क्या तकनीकें होती हैं कैसे काम करता है और इसकी मूल इसकी अवधारणा क्या है इसको समझने के लिए हम बात करना चाहते हैं आपसे ये ग्रीन हाउस ऑटोमेशन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि एक डिज़ाइन किया जाता है सिमुलेट किया जाता है ताकि हम जो भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं किसी भी पौधे के किसी भी फल के सब्जी के ग्रोथ के लिए उन किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए किसी भी तरह की नर्सरी की ग्रोथ के लिए उन सब चीज़ों पर हमारा पूरा नियंत्रित हो और बिल्कुल अगर कम हो रहा है तो उसके सेंसर्स हमें बताएं अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो भी बताएं तो ये कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है डेवलप किया जाता है इंस्टॉल किया जाता है और आपस में इन सबको तालमेल में बनाकर चलाने की कोशिश की जाती है तो इससे क्या होता है कि जो मै जो प्लांट्स की जो आउटपुट की जरूरत है उसको हम मैक्सिमाइज़ करते हैं और इसकी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है उसको भी मैक्सिमाइज़ करते हैं ताकि हमारी ग्रोथ में कोई भी बाधा या कोई भी अवरोध न उत्पन्न हो पाए Uh, साथ में जो कंट्रोल्ड uh, 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 जो एनवायरमेंट है उसमें छोटे मोटे जो uh, बदलाव देखने को मिलते हैं उस पर हमारी तगड़ी निगाह सुनिश्चित हो सके ताकि उनमें कोई कमी ना होने पाए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं पहले तो कंपोनेंट्स बात करते हैं ग्रीन हाउस के कंपोनेंट्स क्या हैं क्योंकि ग्रीन हाउस का मोटा मोटा ढांचा तो आपने जान लिया है लेकिन उसके अंदर uh, क्या कुछ uh, होता है और क्या कुछ uh, कैसा होता है ये भी जानना जरूरी है साथियों ग्रीन हाउस के जो पाँच ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो मेजर हैं और माइनर तो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं क्योंकि खेती ग्रीन हाउस का एक अभिन्न अंग है उसके अंदर का तो सबसे पहले जो बेस है वो बहुत ज़रूरी है तो दोनों तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जो ग्रीन हाउसेज का एक तो ये है कि जो मिट्टी है उसको ट्रीट करके उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरा तरीका होता है कि उस मिट्टी को छोड़ देते हैं गमलों में जो बड़े बड़े गमले आते हैं पार्ट्स होते हैं उनमें ट्रीटेड मिट्टी को तैयार करते हैं और उसमें फसलों को उगाते हैं तीसरा ये तरीका है कि पूरा प्लेटफॉर्म बनाते हैं उस प्लेटफॉर्म में हम अलग से जो अपना मीडिया है चाहे वो कोकोपीट का हो चाहे वो भूसे का हो चाहे कोई और मीडियम हो उसको तैयार करके उसको फिल करते हैं और उसमें आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं जिससे कि हम ईल्ड ज़्यादा प्राप्त कर पाएँ उनकी ग्रोथ ज़्यादा कर पाएँ और उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों को समय समय पर फीड कर कर सकें और ज़रूरी तापमान के साथ जरूरी जो पानी है उसकी उपलब्धता भी हम करा सकें तो ये हो गई बात बेस की अब बात ये है कि इस बेस के लिए कंट्रोल इन्वायरमेंट तब बनेगा जब हम बाहरी दीवारें हमारे नियंत्रण में हों तो जो वॉल्स हैं साइड वॉल्स वो इसका दूसरा कॉम्पोनेंट है और तीसरी बात है कि ऐसा फ्रेम जिसमें रूफ़ भी हमारे ज़रूरत के हिसाब से कि हमारे प्लांट जो ग्रोथ करते हैं इतनी हाइट हमें मिल जाए कि हमारे पौधों की ग्रोथ करने में कोई दिक्कत ना हो और तापमान अगर ज़्यादा या धूप ज़्यादा मिल रही है तो हमारे पास एक दूसरी छत भी फॉल्स रूफ़ भी हो ताकि हम उसे फैला करके हम उसे जो रोशनी है या धूप है उसको नियंत्रित कर सकें कंट्रोल कर सकें और अगर कम पड़ रहा है किसी मौसम में तो हम उसमें अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था हो पाए ताकि हम उनको ज़्यादा रोशनी ग्रीन हाउस इम्पैक्ट देने के लिए क्रिएट कर सकें तो इसके लिए एक ऐसा फ्रेम जिसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जिसमें ये शेड्स सिस्टम हो और लेवल हम बना सकें और साथ में विंडोज़ कि अगर कभी तापमान ज़्यादा या कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए या अंदर आ, की परिस्थिति को न्यूट्रलाइज करना है तो विंडोज़ होनी चाहिए ताकि हम उसको एक्सपोज कर सकें बाहरी एनवायरनमेंट से और हम बैलेंस कर सकें इंटरनल एनवायरनमेंट को यानी अंदर का वातावरण कंट्रोल कर सकें और साथ में है कवरिंग अब जो हमारी कवरिंग है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि धूप जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ झेल सके और लंबी समय तक हमारा साथ दे सके क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी लागत बढ़ जाएगी हमारा प्रबंधन बिगड़ जाएगा और साथ में अंदर के एनवायरमेंट को कंट्रोल करने की स्थितियाँ अनियंत्रित हो जाएंगी और इससे हमारा नफा होने की जगह घाटा हो जाएगा और हम तनाव में आ जाएंगे तो ऐसा मीडियम होना चाहिए ताकि जो कवरिंग है वो दीर्घ अवधि तक चले लंबे समय तक हमारा साथ दे और इस तरह ये पांच एलिमेंट्स हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं हमारे पॉलीहाउस के ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर के लिए तो साथियों ये बात हमने की है कंपोनेंट्स जो हैं ग्रीन हाउस के यानी पॉलीहाउस के और अब इसके बाद बात करते हैं आगे जो ग्रीन हाउस ऑटोमेशन है उसके बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में तो साथियों जो ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो तकनीक आधारित हैं और इसमें एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी है उसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भी है उसमें जो और कृषि की तकनीकें हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है और इन सब को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है और इससे हम जो पूरे इन्वामेंट है उसको मोनिटर कर पाते हैं उसकी निगरानी कर पाते हैं और ये एंश्योर कर पाते हैं कि हम प्लांट्स की ऑप्टिमम ग्रोथ को हासिल कर सकें और ग्रीन हाउस इसमें हमें सहयोग देता रहे और ये सब कुछ कोशिश होती है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हासिल करने के लिए और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड अदर रिसोर्सेज जो भी हमने डाले हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो सके उसमें वेस्टेज ना हो या उसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए तो ग्रीन हाउस ऑटोमेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट है आ, वो है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर एक डिवाइस है जिसके अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनको हम बुलाकर अलग अलग चीज़ों के लिए हम डिसीजन करते हैं निर्णय निर्माण करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर एक चीफ एलिमेंट है जो उसमें मॉनिटर करता है कलेक्ट करता है डेटा जो पूरे ग्रीन हाउस के अलग अलग एरिया के जो एनवामेंट क्रिएट हो रहा है उसकी जो परिस्थितियां हैं उसमें टेम्परेचर कितना है उसमें मेजर करता है कि मॉइस्चर कितना है सनलाइट कितनी मिल रही है डिफरेंट जो जो टाइमिंग है उन पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के अनुरूप जो हमें बदलाव करना है उसके लिए अलग तरह की डिवाइसेस इसमें भी लगी होती हैं तो एक यूनिट हो गई माइक्रो कंट्रोलर और दूसरी यूनिट जो इस माइक्रो कंट्रोलर को डेटा उपलब्ध कराती है या सेंस करती है वो हो गई सेंसर्स और ये सेंसर्स जो होते हैं वो फिटेड होते हैं सेवरल स्पॉट्स पर जो डिटेक्ट करते हैं समय समय पर और हमें वेरिएशन को अलर्ट करते हैं बताते हैं लगातार और जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में जो चेंजेस हैं उनके अलर्ट हमें भेजते रहते हैं और इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग तरह की डिवाइस की ज़रूरत होती है और ये जो हैं बताते हैं जो हमारे थ्रेशल्ट वैल्यू है उसके बारे में और नेसेसरी जो ज़रूरी एक्शन हमें लेने हैं उसके लिए हमें सजेशन उपलब्ध कराते हैं तो दूसरी तीसरी जो डिवाइस है तीसरा जो कंपोनेंट है ग्रीन हाउस ऑटोमेशन का वो है ट्रांसड्यूसर्स ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम है जो सेंसर से लिंक्ड होता है और जितने सेंसर्स हैं वो सेंसर से इसमें डेटा सेंड करते रहते हैं और ये डेटा को आ, अपने पास एक्वायर करता है इकट्ठा करता है और ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं ये सेक्शन जो है वो सारे सारे सेंसर से इंटरकनेक्टिविटी में रहता है तो जितना भी चाहे सॉयल मॉशर हो चाहे ह्यूमिडिटी हो टेम्परेचर हो लाइट इंटेंसिटी हो या पोषक तत्वों की जो पोजीशन है उन सब के बारे में उन सेंसर्स के डेटा को एक जगह कंपाइल करता है फिर इसको एनालिसिस के लिए हम लोग आगे सॉफ्टवेयर पर ले जाते हैं लेकिन उसके लिए भी जो तीस चौथा कॉम्पोनेंट है वो बेहद ज़रूरी है और वो है ए डी ये क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं तो अगले कंपोनेंट के बारे में ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो सेंसर्स हैं वो एनालॉग डेटा हमें भेजते हैं उनके लेवल्स भेजते हैं लेकिन इन सब की प्रोसेसिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर पर इस डेटा को हमें ले जाना होगा और ये डेटा हमारे सॉफ्टवेयर पर जाए इसके लिए ज़रूरी है कि इसे हम डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर सकें तो इसके लिए ये डिवाइस है ए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तो जितने भी हमें डेटा प्राप्त हुए हैं उनको ये प्रोसेस करता है और डिजिटल जो डेटा कन्वर्ट करके और उसको हमें सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध कराता है और हमारा सॉफ्टवेयर इन सारे पैरामीटर्स को अलग अलग रिकॉर्ड कीपिंग करता है और फिर जो हमारा फार्मूला उसमें एल्गोरिदम लगी हुई है उसके जरिए वो एनालाइज करके हमें आ, पूरी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें कब कौन सा एक्शन किस तरह से करना है ताकि हमारा परिणाम प्रभावित न होने पाए और हमारी जरूरत के हिसाब से वो परिणाम हासिल हो सके तो एडीसी एक डिवाइस है जो रिकॉर्ड कीपिंग करती है एक सॉफ्टवेयर है इट रिसीव्स द एनोलॉग डेटा सेंड बाय सेंसर्स एंड देन परफॉर्म्स नेसेसरी एक्शन टू कन्वर्ट इट इनटू प्रेजेंटेबल डिजिटल फॉर्मेट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एडीसी एक uh, अलग न किया जा सकने वाला ऐसी जो एक डिवाइस डिवाइस है वो बेहद ज़रूरी है और हमारे पूरे तंत्र को नियंत्रित करती है एक तरह से आ, ये हमारे दिमाग की तरह से है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है और उनमें किसी भी तरह की हरकत जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसके बारे में अलर्ट भेजता है और उसके अनुरूप हमारा शरीर के अलग अलग अंग या हमारे जो सेंसर्स हैं यानी इंद्रियाँ हैं वो काम करती हैं तो ये बिल्कुल हमारे शरीर की तरह से एक सिस्टम है कंप्लीट जो ग्रीन हाउस को ऑटोमेट करता है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने या उसको बेहतर परिणामदायक बनाने के लिए कारगर होता है तो आइए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं थोड़ी तुलना की कि आ, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका ये सवाल भी आता है जिनके दिमाग में ये चिंता भी आती है कि जब हम परम्परागत तौर पर खेतों में खेती करते हैं तो उसमें और जब हम ग्रीन हाउस के अंदर खेती करते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या क्या होता है और क्या क्या नियंत्रित किया जा सकता है तो साथियों सबसे पहले है अनवायरमेंट अगर आप ये चार्ट देखें तो आप देख पाएंगे कि इसमें एनवायरमेंट जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है खेती में इसलिए कहते हैं ये भगवान भरोसे है क्योंकि भगवान कब प्रसन्न होंगे ईश्वर कब प्रसन्न होंगे और आपको बारिश कब देंगे आपको पता नहीं और जब बारिश आएगी वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक उतनी ही होगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी इस पर भी आपका बस नहीं और आपके जो तापमान है वो भगवान सूर्यदेव कितने प्रसन्न हैं ये आपकी पूजा पर निर्भर तो करता है लेकिन इतना निर्भर नहीं करता कि आप अकेले उसका लाभ ले पाएं या आपकी चुनी हुई फसल के लिए अलग से तापमान हो पाए तो इन सब चिंताओं को दूर करने में मददगार होता है ग्रीन हाउस और ये जो कंट्रोल्ड एन्वायरमेंट रहता है तो यहाँ पर कंट्रोल्ड भी है एडजस्टेबल भी है आप घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी क्रॉप के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप बदलाव कर सकते हैं इसी तरह क्लाइमेट का विषय भी है क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल करना तो बिल्कुल गैर जरूरी बात हो गई और जब क्लाइमेट को चेंज कंट्रोल करना है तो हमें ग्रीन हाउस की जरूरत होती है जो कि खेत में संभव नहीं और हम प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं खेत में जबकि ग्रीन हाउस के अंदर हमारे हाथ में इसकी कुंजी होती है और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कंट्रोल कर सकते हैं तब्दील कर सकते हैं बदलाव कर सकते हैं आ, तीसरी चीज़ है इरीगेशन जो सिंचाई है पानी भी चूँकि साथियों को पता है जो खेती करते हैं कि हमें पानी भरकर नहीं चाहिए बल्कि पानी और हवा दोनों का बेहतर तालमेल चाहिए ताकि वो वापस के रूप में वास्क के रूप में या कहें वापसा के रूप में पौधों की जड़ों को मिल सकें और ये इस रूप में मिलें इसके लिए जरूरी है कि पानी भी उस वेपर के फॉर्म में उपलब्ध हो और ये खेतों में संभव नहीं हो पाता कभी कभी जो भगवान हैं वो बरसते हैं आ, बादल बरसते हैं तो ऐसे वातावरण कभी कभी उपलब्ध ज़रूर होता है लेकिन आप पॉलीहाउस के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर इस तरह का वातावरण किसी भी वक्त पर तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए पूरा तंत्र आपने विकसित कर लिया है और बचत भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है खेती में आप जो ओपन सिंचाई करते हैं पूरी तरह से खेत को भर देते हैं उसमें जितना पानी लगता है उसमें दस या तीस या पचास कहें से कम पानी हम ग्रीन हाउस के अंदर यूटिलाइज करते हैं उपयोग करते हैं और उसमें भी वो काफ़ी दिनों तक सस्टेन करता है क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट में पानी की खपत कम होती है उसका वेपराइजेशन कम होता है उसकी वेस्टेज काफ़ी कम होती है और हम उसका नुकसान भी नहीं करते हैं यानी ये भूगर्भ जल को बचाने वाला भी है और बारिश के जल को भी बचाने वाला है तो साथियों हमने तीन जो जो डायमेंशन से उनकी बात की है जो तीन फैक्टर्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट हो गया क्लाइमेट हो गया इरिगेशन अब बात है टेम्परेचर की तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए खुले खेत में तापमान नियंत्रण करना आपके हाथ में नहीं है ये सीधे ईश्वर की व्यवस्था है और ईश्वर की व्यवस्था से आपकी व्यवस्था चल पाए ये कभी कभी तो संभव है हमेशा आपके हाथ में नहीं है तो इसलिए तापमान भी आप नियंत्रित कर सकते हैं कम या ज़्यादा आपकी क्रॉप की ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं ये सुविधा आपको ग्रीन हाउस देता है और मॉइस्चर कंट्रोल भी जब आप सारे तत्व आपने कंट्रोल कर लिए तो मॉइस्चर भी आपके हाथ में है जबकि आपके खेत में अनकंट्रोल्ड है तो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो भी आपकी फसल ख़राब होती है या उसकी फलत नहीं होती उसमें फूल नहीं आते या फूल आ गए तो टिकते नहीं और अगर टिक भी गए तो उसका फल तो बड़ा नहीं हो पाता गिर जाता है सूख कर छोटे छुट छोटे जो फल होते हैं वो सूख कर गिर जाने से आपका नुकसान होता है तो जो आपकी उपज होनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती जबकि मेहनत आप उतनी करते हैं लागत आप उतनी लगाते हैं समय आप उतना ही देते हैं संसाधन भी आप सारे लगाते हैं उसके बावजूद और सनलाइट भगवान सूर्यदेव की जो ऊर्जा है वो बेहद ज़रूरी है चाहे वो आप अलग अलग फॉर्म में ले रहे हों लेकिन नियंत्रण उसका आपके हाथ में हो ये आपको सुविधा देता है ग्रीन हाउस और पेस्ट कंट्रोल साथियों प्रकृति का जो चक्र है जिसमें बायोडाइवर्सिटी आपके खेत के लिए ज़रूरी है लेकिन उस बायोडाइवर्सिटी में ज़्यादा ज़रूरी है मित्र कीट जो पॉलीनेशन करते हैं जो आपके पूरे इन्वायमेंट के चक्र को बेहतर बनाते हैं या हानिकारक कीटों को खा जाते हैं या फिर आपके पौधे की ज़रूरतों की पूर्ति में मददगार होते हैं जैसे केंचुआ हो गया जैसे आपके तमाम तरह के ततैया हो गई जो आपके किसी भी तरह के हानिकारक तत्वों को नुकसान पहुंचाकर आपके फसल को बचाने का काम करती हैं तो ऐसे मित्र कीटों को आप पॉलीहाउस के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं वो आपके पॉलीहाउस से बाहर जा पाएँ ये लगभग नामुमकिन होता है और बाहर का कोई कीट बिना आपकी मर्जी के पॉली हाउस के या ग्रीन हाउस के अंदर आ जाए ये भी नामुमकिन है और इसलिए ये तकनीक बहुत कारगर है और तमाम दुनिया के देश जो नीदरलैंड आपको जो इसराइल है उस पर ख़ास करके इसका बड़ा पैमाने पर उपयोग भी हो रहा है या जहाँ पर तापमान नियंत्रण करना मुश्किल होता है या वहाँ का क्लाइमेट मुफीद नहीं है वहाँ पर भी छोटे छोटे ऐसे ग्रीन हाउस बना के खेती की जाती है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति इसके ज़रिए की जा रही है साथियों अब आता है बिगेस्ट एडवांटेजेज ऑफ ग्रीन हाउसेज तो जो ग्रीन हाउस हैं उनके बड़े बड़े लाभ क्या हो सकते हैं तो उनको हमने कुछ बिंदुओं में आपके लिए समेटा है ताकि आप मोटी बात आराम आराम से टुकड़ों में समझ सकें तो सबसे बड़ी है कि लॉन्गर ग्रोइंग सीज़न कई बार वातावरण के बदलाव के साथ जब आप देखें क्लाइमेट के बदलाव के क्लाइमेटिक सिचुएशन जो बदल रही हैं उसके बदलाव के कारण फसलें देरी से लगाई जा पा रही हैं या फसलें देर से पकती हैं या उनकी कटाई में विलंब होता है इससे पूरा फसल चक्र आपका प्रभावित होता है आपका नुकसान भी होता है तो जो पॉली हाउस हैं या जो ग्रीन हाउस हैं वो आपको लॉन्गर ग्रोइंग सीज़न देते हैं ये बहुत बड़ा एडवांटेज है लाभ है दूसरा है गार्डन इन एनी वेदर तो जो गार्डनिंग है वो आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं आप किसी तरह के फसल को किसी तरह के फूल को आप ग्रीन हाउस के अंदर किसी भी मौसम में तैयार कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ स्वतंत्र हैं तीसरी जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एक ही ग्रीन हाउस के अंदर तमाम तरह की वेराइटीज़ को तमाम तरह के प्लांट्स को आप उगा सकते हैं उत्पादन ले सकते हैं बिना किसी डर के क्योंकि अलग अलग सेक्शन बनाकर उनका टेम्परेचर भी आप अलग अलग कर सकते हैं ये सुविधा आपको ग्रीन हाउस में मिलती है और एक साथ आप उपज ज़्यादा पा सकते हैं आप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड प्रीडेटर्स मैंने आपको बताया कि बाहर के आपके शत्रु कीटों से आपको सुरक्षित रखता है आपको बचाता है और आप नियंत्रण कर पाते हैं पेस्ट का और पेस्ट पेस्टिसाइड का यूटिलाइजेशन बहुत कम ना के बराबर होता है या करना ही नहीं पड़ता प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्राम बैड वेदर जो मौसम के बदलाव होते हैं हानिकारक बदलाव खास करके आंधी तूफान या बहुत तेज़ बारिश जिसमें पौधे बर्बाद हो जाते हैं टूट जाते हैं गिर जाते हैं उन सब से भी हम बचा ले जाते हैं एक बड़ा फायदा हो जाता है और ये बड़ा एडवांटेज है ग्रीन हाउस का ग्रो प्लांट विदाउट ड्रेंजर्स पेस्टिसाइड चूँकि हानिकारक जो की कीटनाशक हैं वो हजारों सालों तक खत्म नहीं होते धरती को नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं हमारे प्लांट्स के जरिए हमारे फूड चेन में आते हैं मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और जब एग्री वेस्ट को आप बाहर जीवों को खिलाते हैं तो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं और चूँकि हमारे पूरी बायोडावर्सिटी को हार्म करते हैं उसको नुकसान कर देते हैं तो पूरा चक्र हमारा ध्वस्त हो जाता है जिससे कि हम बड़े ख़तरे को दावत देते हैं तो ऐसा भी नहीं होता की बेनिफिशियल फ्रेंडली इंसेक्ट्स मैंने मैं आपको बताया कि आप अंदर जो ज़रूरी लाभदायक कीट हैं उनको अंदर रख पाते हैं Easily कस्टमाइज द ग्रीन हाउस टू needs। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं बदल सकते हैं फसलों के चक्र बना सकते हैं अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं एंड ऑल वैल्यू फॉर मनी आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो बहुत बेहतर आता है क्योंकि बे मौसम भी आप जो चीज़ तैयार कर पाते हैं पहला तो जो विपरीत परिस्थितियों के कारण विपरीत मौसम के कारण जो आपका नुकसान होता है वो 25 से 30 फीसदी या 40 फीसदी या 50 फीसदी तक नुकसान अक्सर रिपोर्ट किया गया है वो बच जाता है पहला लाभ दूसरा कीटनाशकों से तकरीबन बीस से तीस फीसदी भी नुकसान गुणवत्ता ख़राब होती है या कीट लग जाते हैं तो वो होता है उससे भी आप बच जाते हैं तीसरी क्योंकि आप वक्त से पहले या वक्त के बाद पौधे तैयार कर पाते हैं इसलिए आपको बाज़ार में कीमतें जब ज़्यादा होती हैं तब आपका ग्रीन हाउस आपके लिए कैश ए बनता है और आपकी फसल सीधे आपको रकम मोटी दिला पाती है आपको फ़ायदा दिला पाती है तो ये बड़ा फ़ायदा है और उससे भी बड़ी बात कि आप मौसम से प्रभावित होकर निर्णय नहीं करते बल्कि बे मौसम भी आप मौसम में रहते हैं यानी नियंत्रित रहते हैं आप बेहतर तालमेल से अपनी खेती को करते रहते हैं तो ये तमाम एडवांटेजेस हैं जो आप लाभ के तौर पर आ, अपनी खेती में हासिल कर पाते हैं सिर्फ ग्रीन हाउस के ज़रिए साथियों हमने जितनी बात की है वो तो आपको मोटे तौर पर समझ में आ गई कि हम आ, इस पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं क्योंकि देश के वैज्ञानिकों ने तमाम तरह के जो वे, वेरिएंट्स हैं बीजों के फसलों के उनमें काम किया कम तापमान में उगने वाली मक्का ज़्यादा तापमान में उगने वाली मक्का आ, किसी आ, अलग मौसम में उगने वाली जो मक्का हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आ, दो दो तीन तीन सीज़न में लोग मक्का ले रहे हैं क्योंकि ये तकनीक से संभव हो पाया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे सीड्स आए हैं वैसे तो जेनेटिकल जे, मॉडिफिकेशन हानिकारक है क्यों क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो जी, जीन्स का बदलाव है वो मुफीद नहीं है वो स्वाद भी नहीं देता वो गुणवत्ता भी नहीं देता हाँ शक्ल और सूरत में वो ज़रूर थोड़ा स्मार्ट होता है बाज़ार में दाम अच्छे देता है इसलिए हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं तो जो सेहत को पसंद करते हैं जो हमारी जीवन को बेहतर पसंद करते हैं वो जी एम सीड से बचे रहें ऐसे संकर सीडों से बचें जो आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन बाजार का, का काम करने वाले उसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं साथ में आ, अब समय हो गया है एफ का उन सवालों का जिन पर हम आपसे बात करें और आपसे संवाद करें। नमस्कार मैं हूं सोम गांगुली और स्वागत करता हूं आपका बिजनेस की इस खास पेशकश में। आज हमने हाउस ऑटोमेशन के बारे में चर्चा की हमारे साथ मौजूद हैं श्री राधेश्याम दीक्षित जी और सर ने ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के बारे में हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आप लाभ जी जी बहुत बहुत हो रहा है जैसे आपने बताया आज ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के बारे में एक पूरा सेशन में हमको समझाया क्या होता है लेकिन फिर भी जैसे अगर आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें कई सारे सवाल होते हैं जो दर्शकों के मन में होते हैं जो उद्यमियों के मन में होते हैं तो वो एक चर्चा के तौर पर मैं आपसे साझा करना चाहूंगा बात करना चाहूंगा उस पर सर जैसे भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इतना विशाल देश है जहां आधी से अधिक जनसंख्या कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है और वर्षों से परंपरागत कृषि पद्धति का पालन कर रहे हैं ऐसे में ग्रीन हाउस ऑटोमेशन जैसी नवीन पद्धति जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है तो उसके बारे में उसके लाभ के बारे में जानना अति आवश्यक है अगर बिल्कुल आम आदमी की भाषा में बात की जाए तो ग्रीन हाउस ऑटोमेशन है क्या हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जो जो सवाल सवाल है 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 वो वो इतना बताने के बाद भी ये सवाल अभी बन रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जो है वो जनक जीवन जीना चाहते हैं जी तो आप घर में भी आप चाहते हैं कि बर्तन मांजने की झंझट से मुक्ति मिले एक ऐसी मशीन मिले कि आप उसमें अपनी सारी प्लेट्स लगाएं और बटन दबाएं और साफ हो जाए आप जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए भी चाहते हैं कि ऐसी मशीन मिले जिसमें कपड़े डालें उसमें धुल जाए और सूख भी जाए जी। और अगर ऐसी मशीन मिल जाए कि धुल करके प्रेस होकर कपड़े निकले तो लोग वैसी मशीन को प्रेफर करेंगे यानी कि आपकी जो दैनिक जिन जीवनचर्या है उसकी जो हैं उनको आप सरल रूप में कंट्रोल रूप में लेना चाहते हैं बिल्कुल तो खेती में भी ऐसा ही हो रहा है कि अभी लोगों को शौक है कि जब गोभी नहीं आ रही तब गोभी खाएं जब टमाटर है वो पूरे साल टमाटर चाहिए वो भूल ही गए हैं कि टमाटर का सीजन कौन सा होता है जी। अब आप देखिए आम है तो पूरे सीजन अलग अलग जगहों पे मिलता रहता है या अन्य तरह के फल हैं वो आपको पूरे साल उपलब्ध हो रहे हैं तो सवाल ये कि हो कैसे रहे हैं। तो वो तकनीक कारगर हो रही है वो है ग्रीन हाउस ऑटोमेशन तो ग्रीन हाउस तो पहले आप में कारगर हो जाता है क्योंकि काफी कुछ आप कंट्रोल कर पाते हैं लेकिन जो कंट्रोल है उस पर भी सुपर कंट्रोल आपका हो पाए और आप चैन की बंसी बजाएं सोएं और आपका सारा सिस्टम जो है अपने आप काम करे यानी पानी डालने आप ना जाए आपकी मशीन कब उसे पानी की जरूरत है आगे हो सकता है कि आदमी के साथ भी ऐसा हो कि आपको प्यास लगे और पानी की डिवाइस आप टांग के चल रहे हो प्यास भी बुझ जाए तो संभव है क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग जिस तरह से ऑटोमेशन के पक्ष में जा रहे हैं जैसे बहुत सी जगहों पर आप रोबोस की बात हो रही है कि आप आपको बेड पर जरूरत है तो रोबो आपका सामान लेकर आ जाए तो इस तरह के डिवाइसेस में हम जा रहे हैं ये निश्चित तौर पर हमारे दैनिक जीवनचर्या की जरूरत के हिसाब से तो उपयोगी हैं लेकिन जो जीवन सक्रिय रहना चाहिए उसमें खतरनाक होता है ये अलग बात लेकिन कुछ जगहों पर ये बहुत एक तरह से वरदान की तरह से खासकर खेती में अगर बात करें क्योंकि अभी किसान के साथ ये दिक्कत होती थी कि भाई पानी डालना है ज्यादा हो जाता था तो जड़ें गले लगती थी पौधे खराब होते थे उपज कम होती थी या वाटर लॉगिंग होती थी अब क्या है पानी का, जितना चाहिए मोबाइल तो पर भी देख करके आप खेती कर सकते हैं आप मान लीजिए जैसे बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका खेत बहुत दूर है तो वहां पर भी ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जा सकता है ग्रीन हाउस ऑटोमेशन अतिरिक्त सुविधा देता है आप सब कुछ कंट्रोल करने का तो आप घर बैठकर लैपटॉप से भी खेती कर सकते हैं काफी हद है, तक बिल्कुल सर जैसे आजकल लोग इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अधिक वरीयता दे रहे हैं साथ ही पर्यावरण के प्रति भी सजग हो रहे हैं लेकिन अभी भी बदलाव पूरी तरह से नहीं आया है जैसे कि ग्रामीण इलाकों की बात करें या अगर शहरों में भी बात करें तो लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हो सके हैं तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के कांसेप्ट को बढ़ावा देना उसे लोगों तक पहुंचाना और उम्मीद करना कि लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे कि कितना कारगर होगा अब देखिए इसके दो पहलू हैं मतलब एक है कि आप ग्रीन हाउस में ऑर्गेनिक खेती करें और दूसरा है कि ऑर्गेनिक खेती आप खेत में करें दोनों आराम से होती हैं और दोनों ही उपयोगी हैं ग्रीन हाउस उसमें एक थोड़ा वैल्युडेशन आपको कर दे रहा है एक एडवांस लेवल का कंट्रोल आपको दे रहा है तो आपकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी फ्रेशनेस होगी उस पर डस्ट नहीं होगी उसमें तमाम तरह का जो है जो कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा जैसे आजकल लोग खेती क्या है ना वो एन्वायरमेंट निर्भर है लेकिन हम सोचते हैं कि जैसे हम कोई मोबाइल लेते हैं तो अगर जैसा मोबाइल दिख रहा है वैसे ही वो मॉडल पूरी दुनिया में कहीं भी लिया जाए वैसे ही दिखेगा खेती में ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग जलवायु है अलग अलग परिस्थितियां हैं अलग अलग तरह का संक्रमण है समस्याएं हैं तो उस उस सुविधा को आप ग्रीन हाउस में पा सकते हैं उसमें शेप भी आ जाते हैं कलर भी आ जाते हैं और आपको इम्पैक्ट भी आ जाता है उसकी फिनिशिंग उसका टच फील भी वैसा आ जाता है तो अब जैसे जैसे आप चाहते हैं वैसे वैसे तकनीकी के विशेषज्ञ काम करते हैं तो ये सुविधा आपको ग्रीन हाउस ऑटोमेशन दे रहा है तो आपको ऑर्गेनिक में भी सुविधा हो गई है तो अब लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं छोटे छोटे ऐसे ग्रीन हाउस जो है लोगों ने घरों की छतों पर लगाने शुरू कर दिए जैसे भी खेती कर पा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि थोड़ा जो कठिनाइयाँ थी वो घट गई जो कंट्रोल थे वो बढ़ गए लाभ आपका बढ़ गया और बेमौसम आप प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती आराम से कर पा रहे हैं तो ये सुविधा बढ़ा दी इसमें जी सर ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या कोई स्कीम है इस दिशा में कोई प्रयास किए जा, हाँ जा रहे हैं हाँ जी बिल्कुल किए जा रहे हैं क्योंकि अभी ये तकनीक खास करके जैसे इसराइल जो है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत टफ है जी तो इसराइल ने इसका बहुत उपयोग किया और उसके यहां उपज भी बहुत ज्यादा है और जिस सीड़ से हम कम उपज लेते हैं वो ज्यादा उपज लेते हैं यानी तकनीक का कमाल तकनीक का उपयोग वो ज्यादा कर रहे हैं तो वहां से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ इस तकनीक आई और यहाँ के किसानों ने इसको अपनाना शुरू किया अब देखने में यह आ रहा है कि लगभग देश में अलग अलग हिस्सों में एक काफी बड़ी पैमाने पर इसका विस्तार हुआ है सरकार जो है खास करके उद्यान विभाग के जरिए इसमें फिफ्टी परसेंट सब्सिडी दी जा रही है यानी अगर आप पॉली हाउस के लिए ग्रीन हाउस के लिए आवेदन करते हैं तो उसकी जो कुल लागत होगी उसकी आधिक कीमत जो है आपको चुकानी है आधिक कीमत जो है वो सरकार की योजना के माध्यम से आपको भुगतान की जा रही है सब्सिडी के तौर तो पर तो इसकी वजह से भी रुचि बढ़ी है दूसरा क्या है कि बाज़ार में जो जो शौकीन है वो अच्छी कीमत अदा करने को तैयार है तो आप देखें कि ब्रोकली है आपको खीरा है टमाटर है या आपका सलाद है ये आराम से स्वीट कॉर्न है ये सब बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो रहा है और बहुत हाई क्वालिटी उसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी है उसका शेप बड़ा अच्छा है वो बेतरतीब नहीं हो रहा है क्योंकि संक्रमण नहीं, हो रहा, नहीं हो, रहा हो रहा है और बड़ा सॉफ्ट भी है तो इसलिए भी इसमें रुचि बढ़ी है तो ये विस्तार भी हो रहा है और मुझे लगता है कि इससे अभी सरकार की कोशिश भी है कि बहुत सारे देश के अलग अलग क्लाइमेटिक सिचुएशन में इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए ताकि इससे किसानों की आय में वृद्धि हो दोगुनी तिगुनी चौगुनी तक संभव है, है। सर एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से इंटरमीडिएट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है देखिए एक ही एडीसी जो कि मैंने बताया भी एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करता है जैसे आप बिजली का जो लोग उपयोग करते हैं जीवन में तो ए से डी या डी से ए करंट कन्वर्ट कन्वर्जन करते हैं आप इसी तरह की आपका जो डेटा है वो एनालॉग फॉर्म में है तो उसको आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर पर लेकर जाना है तो ये डिवाइस बीच में काम करती है और जो कन्वर्टेड डेटा है वो आपको डिजिटल फॉर्म में तो जब आप सॉफ्टवेयर में आ गए तो आप डेस्कटॉप पे बैठ के देख सकते हैं आप ऐप पे देख सकते हैं आप मोबाइल पर देख सकते हैं और आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सुविधा देता है और इसके जरिए अदर बहुत सी डिवाइसेस लगाई जा सकती है मतलब तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिल कनेक्ट हो जाएंगी जी सर जैसे कृषि में इरिगेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है तो ग्रीन हाउस प्लांट्स की बात करें तो उसमें इरिगेशन किस प्रकार से संभव है देखिए ये किसान साथियों को समझने की जरूरत है क्योंकि परंपरागत तौर पर हम लोग खेत को पानी से भर देते हैं बिल्कुल बहुत थोड़े से जागरूक किसान होंगे तो वो नाली के सिस्टम पे काम करते हैं लेकिन पौधे को क्या चाहिए पौधे का जो राइजोस्फिर है यानी जो उसकी राइजोम है जो जड़े हैं उन जड़ों में छोटे छोटे बबल्स होते हैं जी तो वो जो बबल्स होते हैं उनके आस जो वॉटर और वेपर यानी एयर और वाटर जब दोनों मिलती है तो वो वेपर्स जो क्रिएट करती है वापसा यानी बहुत में जो बबल्स बनती हैं वो होती वापसा। अच्छा तो शुद्ध हिंदी में वापस बोलते हैं या मॉइस्चर के से तो ये चाहिए होता है जड़ों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए अगर उनको हवा नहीं मिलेगी तो वाटर लॉगिंग होकर पौधे सड़ जाएंगे तो अब क्या होता है पानी की यानी की आवश्यकता कम है और हम पानी डाल जाता रहे डाल पानी डालने से क्या होता है कि मिट्टी बैठती जाती है तो पौधों की जड़ों की ग्रोथ बाधित होती है जी तो अगर हम वापस देते हैं तो वो इस तकनीक में जो ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो ये ज्यादा मुफीद होते हैं क्योंकि आप वेपर पर ड्रॉपलेट्स पानी की डालते हैं और एयर अपने आप मिल जाती है और दोनों मिलकर जड़ों पे गिरते हैं और जड़ों के अंदर आराम से वो एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं और ह्यूमिडिटी अच्छी क्रिएट होती है और पौधों की ग्रोथ जड़ों की ग्रोथ होने की वजह से ज्यादा अच्छी अच्छी होती है सर जैसे कि दो टर्म्स हैं ग्रीन हाउस हो गया और एक पॉली हाउस हो गया

कि वो ग्रीन दिखे या ग्रीन नेट डाल दी तो ग्रीन हाउस हो गया नहीं वो नेट हाउस होता है और जो ग्रीन हाउस होता है पहले इसको ये पाया गया कि इसमें जो एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए पहले जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया वो शीशे कांच की वो वॉल बनाते थे कांच की ही छत बनाते थे और उसके अंदर हाउस बनाते थे तो वो ग्रीन हाउस की प्रोसेसिंग सेम होती थी बाकी एनवायरमेंट कंट्रोल कर लिया जाता था लेकिन बाद में चूँकि उसको मेंटेनेंस उसकी बड़ी मुश्किल है और ज़्यादा रिस्की होता है कांच पर कोई पत्थर पड़ जाए तो टूट जाता है या इधर उधर करने में भी रिस्की होता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी इसलिए इसमें प्रयोग किया और वैज्ञानिकों ने तो इसमें पॉली की पॉली शीट्स आ गई और वो पॉली शीट शीट जो है काफ़ी ड्यूरेबल हो गई उसकी थिकनेस भी अच्छी है और उसमें रोशनी भी छन के आती है और बाकी पानी अंदर नहीं आता या अन इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं अंदर आता तो इसलिए जो शीट्स हैं इनका इस्तेमाल हो गया तो वो ग्रीन हाउस ये है और उसी को पॉलीहाउस बोलने लगे सामान्य भाषा में जी सर जैसा कि आपने भी बताया और ग्रीन हाउस के बारे में और जानने से एक सवाल उठता है सर कि क्या ग्रीन हाउस नेचुरल साइकिल का हिस्सा नहीं है एक्चुअली नेचुरल साइकिल का हिस्सा है लेकिन कंट्रोल्ड है मतलब जैसे आप घर के अंदर बैठते हैं तो बाहर बारिश हो रही है तापमान में उसका प्रभाव पड़ रहा है एनवायरमेंट में उसका असर पड़ रहा है जी आप खिड़की खोल देते हैं तो आप उसका लुत्फ घर में ले पाते हैं जी अगर आप खिड़की नहीं खोलते हैं तो आपका तापमान आपके हाथ में है आप एसी चलाकर ज्यादा ठंडा कर सकते हैं जी। आप हीटर चलाकर उसे गर्म कर सकते हैं आप बारिश को अंदर नहीं घुसने दे सकते हैं आप उसमें बारिश में बाहर जाकर भीग के आ भी सकते हैं और आप न निकलना चाहें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर मौसम पासा है जी। इस तरह का जो कंट्रोल एनवायरमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए खासकर पौधों के लिए ग्रीन हाउस जी सर अगर मान लीजिए मैं एक उद्यमी के तौर पर पूछूं तो ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए क्या मुझे लोन सब्सिडी प्राप्त हो सकती है हाँ बिल्कुल देखिए मैंने जैसे बताया कि सरकार की योजना है और उद्यान विभाग के जरिए 50 परसेंट सब्सिडी उद्यमियों को खासकर करके जो एग्री प्रन्योर्स हैं एग्री स्टार्टअप्स हैं उनको मिल रही है किसानों को मिल रही है पचास फीसदी सब्सिडी ये तो एक होगी स्कीम और दूसरा क्या है कि जो एफ हैं उनको प्रमोट करने के लिए उनको फंड भी मिलते हैं तो उसको भी आप उपयोग करके काम कर सकते हैं अलग अलग ओ स्कीम है उसमें भी प्राथमिकता मिल रही है पी एम एफ स्कीम है उसमें आप खाद्य प्रसंस्करण और औद्यानिक फसलों के उत्पादन के लिए आप उसमें भी जा सकते हैं तो उसमें पैंतीस सब्सिडी सीधे मिलती है और आपको जो इंटरेस्ट सब है वो भी मिल रहा है तीन सालों तक तो लाभी लाभ है आप उससे भी काम कर सकते हैं अलग अलग स्कीम्स का आप लाभ ले सकते हैं।, बिल्कुल। जैसे कि बताया कि सारे स्कीम्स हैं और आपने पहले भी बताया कि किस प्रकार से सहायता पहला तो ये मिल रही है एक ट्रेनिंग की भाई ग्रीन हाउस के जरिए आप काम करें जी। इसके प्रशिक्षण दूसरा है इसके संबंध में जो रिसोर्सेज हैं उनको कनेक्ट करना सब्सिडी उसका भी सहयोग है साथ में सरकार की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है तो ई नैम करके जो पोर्टल है उसके जरिए पूरे किसान जो है अपने उत्पाद को पूरे देश भर के उद्यमियों के साथ बिक्री करने के लिए ऑफर कर सकते हैं जुड़ सकते हैं अभी उसका प्रचार प्रसार और बढ़ रहा है धीरे धीरे ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो उसका उपयोग कर सकते हैं दूसरा क्या है कि जो अगर किसान अकेले काम कर रहे हैं तो वो एफ के लिए गवर्नमेंट दस हज़ार को प्रमोट कर रही है देश भर में तो वो एफ बना करके उसमें तीन साल तक सारे लाभ ले सकते हैं जो पैसा आ रहा है उससे आप पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बना सकते हैं या फिर वो पचास फीसदी सब्सिडी अलग से लें ये काम भी करें दोनों प्लस प्लस हो जाता है क्योंकि आपके पास तीन सौ से ज्यादा किसान हैं तो आप उन किसानों को साथ मिल करके अपनी उपज में लेबर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है उसकी उपज को भी बढ़ाते हैं और कुछ उपज उनकी लेते हैं अपनी मिलते हैं मार्केट कर सकते हैं या ज्यादा पॉली हाउस बना सकते हैं यू आर फ्री टू डू दिस बोल मैं आपसे एक्चुअली यही पूछना भी चाह रहा था कि एफपीओस किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं बहुत बहुत थोड़ी बात की देखिए एफपीओ के लिए आ, दोनों तरह से मतलब जैसे कहते हैं कि कोई एक उपाय जो है वो दोहरा लाभ दे तो एफपीओ चूंकि किसानों का संगठन है जी तो चूंकि किसान है यानी फार्मर्स आपके साथ कैलिब्रेटेड हैं किसान की सबसे बड़ी चुनौती है बिक्री की मार्केटिंग की चुनौती है उसकी पैकेजिंग की है ट्रांसपोर्टेशन की है तो ये चुनौतियों हो को एफ होने से समाधान मिल जा रहा है क्योंकि एफ के पास पूरे फार्म मशीनरी बैंक है उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की यूनिट आ गई और उस पर सब्सिडी अलग मिल रही है अब उससे उसका काम आसान हो गया अब जब ग्रीन हाउस बनाए तो मान लीजिए पचास किसानों ने बना लिए तो उनके पास अलग अलग तरह की क्रॉप का एक अच्छा साइकिल बन गया और इस साइकिल को एफपीओ के पास क्वांटिटी ज्यादा होने से एफपीओ अच्छे से डील कर सकता है बड़े वेंडर्स के साथ बड़े आ, सप्लायर्स के साथ और वो सारी सप्लाई चेन को स्टैब्लिश कर सकता है इवन आ, स्टोरेज और भी स्कीम है जिसमें लोन में सब्सिडी मिल रही है लोन प्राथमिकता में मिल रहा है तो एफपीओ के लिए ज्यादा मुफीद है सुविधाएं उसको प्राप्त हो रही है सर जैसे ग्रीन हाउस के निर्माण की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है देखिए जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये जरूरी फंड है क्योंकि देश में कृषि उद्यमियों को अलग अलग योजनाओं के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगाने में बहुत समय बर्बाद होता था वो सफल भी होते थे तो इतने चरण होते थे कि पता चला कि जरूरत आज है और दो साल बाद पैसा मिल रहा है तो ये बड़ी दुविधा थी इसको खत्म करने के लिए सरकार ने एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया अब वो कारगर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसमें ऑनलाइन सपोर्ट है तो किसान साथी अब चूंकि कॉमन सर्विस सेंटर भी गाँव गांव तो पहुंच चुके हैं कई ग्राम सभाएं जो है वो ग्राम सचिवालय वहाँ बन चुके हैं पंचायत सहायक जो है ट्रेन बैठा हुआ है आपको जाकर के वहाँ आप बैठ अपनी मर्जी से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं फॉर्म भरते ही आपका जो प्रपोजल है वो सबमिट होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं और आपका दावा सरकार का भारत सरकार के पोर्टल पे आ जाता है और वहाँ बैठे हुए पैनल पैनल में जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको स्क्रूटनी करते हैं और अगर सब कुछ ठीक है उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं पास कर देते हैं अगर वहाँ से पास होता है तो बैंक पहुँच जाता है और बैंक में भी उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है हालाँकि बैंक अभी सुधरे नहीं है सुधर रहे हैं थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सरल हो गया है पहले की तुलना में और बैंक जैसे सैंक्शन करते हैं वो पैसा आपको मिल जाता है और आप तत्काल काम कर पा सकते हैं यानी जो तीन साल का प्रक्रिया रहती थी अब वो घट करके कुछ महीनों की प्रक्रिया तक सिमट गई है और थोड़ा सा और स्मार्ट बैंकिंग हो जाएगी तो मुझे लगता है किसान सुबह अप्लाई करेगा तो मुमकिन है कि ये दिन भी आने वाला है कि एक या दो दिन या मुमकिन है सेम डे भी पैसा आपके खाते में आ सकता है प्रधानमंत्री ने एक पोर्टल भी बनाया उनसठ मिनट का लोन का हालांकि वो अभी उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं हो पाया है देश में कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत काम हुआ है उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का जो तंत्र है वो किसानों के हित में थोड़ा ज्यादा विचार करेगा थोड़ा ज्यादा सरल होगा थोड़ा ज्यादा भागीदार होगा ताकि किसान उसका ज्यादा लाभ ले पाएंगे बिल्कुल जिस तरह से देश कृषि पर आधारित है देश की इकोनॉमी कृषि पर आधारित है तो किसानों को लाभ होगा तो वास्तव में देश का ही लाभ होगा और इसी के साथ अभी का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने इसके बारे में मतलब ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपके पास अगर अभी भी कोई सवाल बचे हैं तो प्लीज आप जूम सेशन में जरूर कनेक्ट कीजिएगा जहां आप अपने सवाल डायरेक्टली सर से पूछ सकते हैं अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई डाउट है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं किसी पॉइंट को लेकर ज्यादा जानकारी चाहिए वो भी प्राप्त कर सकते हैं अगले सेगमेंट में आपको रूबरू कराएंगे बिजनेस आइडिया से तो फिर बिजनेस आइडिया देखिए और उसके बाद फिर से हमसे जुड़िए जूम सेशन के माध्यम से तब तक के लिए धन्यवाद Metal -based business ideas. अब बात करते हैं की। जो न केवल आपको स्वरोजगार से जोड़ेंगे बल्कि आपके सफल उद्यमी बनने की राह को आसान बनाएंगे चर्चा करते हैं ऐसे मेटल प्रोडक्ट बिजनेस आइडियाज की जिन्हें अपनाकर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रहे आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता पर निर्भर करती है तो चलिए बिजनेस आइडियाज के आज के सेशन में शुरुआत करते हैं एंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज से टूल्स ऐसे औजार होते हैं जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े उद्योग से लेकर घर के रोजमर्रा के कामों में किया जाता है इसलिए इनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक डिमांडिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया हैटल स्ट्रक हैमर टूल्स कॉक शॉस ड्रिल्स एंड नाइफ्स ये कुछ ऐसे औजार हैं जिनका प्रयोग ऑफिस घर सर्विस सेंटर और ऑटो में भी शॉप इत्यादि में होता है ये टूल्स प्राय स्टील और एल्युमिनियम से बने होते हैं वही बात करें आंकड़ों की तो साल 2020 में इसकी ग्रोथ वैल्यू 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जो कि साल 2030 के अंत तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है साल 2021 से 2028 के दौरान सी में इसकी वृद्धि दर 4.1 बढ़ने की उम्मीद है इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शानदार बिजनेस आइडिया है हमारा अगला बिजनेस आइडिया है Tool tools बहुत ही से बने होते हैं, जिनका बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में किया जाता है यही कारण है की इस बिजनेस में स्टार्टअप की ढेरों संभावनाएं है इन टूल्स के कई प्रकार होते हैं जैसे सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल ड्रिल मिल और मिलिंग कटर प्रोज, कटर शेपर एंड प्लेनर इत्यादि इस टूल्स को बनाने में हाई कार्बन स्टील एंड सीमेटेड कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है ये एक एवरग्रीन बिजनेस आइडिया है वहीं अगर नजर डाले इसकी आंकड़ों पर तो साल 2021 में इसकी ग्रोथ वैल्यू तिहत्तर बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जिसके साल 2030 तक 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है साल 2021 से इक्कीस के दौरान सी में इसकी वृद्धि दर चार दशमलव आठ प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है इस कोर्सफुल अफोर्डेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस से जुड़कर आप भी सफल उद्यमिता की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है एग्रीकल्चर मशीनरी मैनुफेक्चरिंग बिजनेस समय के साथ साथ कृषि क्षेत्रों में नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है जिसके चलते एग्रीकल्चर क्षेत्र दिनों दिन नए आयाम छू रहा है फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसान को प्लांटिंग सीडिंग फर्टिलाइजिंग कंट्रोल, इरिगेशन इत्यादि के लिए कृषि उपकरणों की जरूरत होती है रोटरी ट्रायलर प्लग ट्रैक्टर ट्रेलर वाटर ब्राउज़र, रिपर मशीन डिस्क हैरो जैसी मशीन की एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत जरूरत होती है इन मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग कर आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं आंकड़े बताते हैं कि साल दो में इसकी ग्रोथ वैल्यू 148 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जिसके साल 2028 तक दो बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं साल 2021 से 2026 के दौरान सीएजीआर में इसकी वृद्धि दर 7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है यकीन मानिए ये बिजनेस आइडिया आपको उद्योग जगत में बुलंदियों पर पहुँचा सकता है हमारा अगला बिजनेस आइडिया है कॉन्सेंट्रीना वायर मैनुफैक्चरिंग बिजनेस सुरक्षा सभी की मूलभूत आवश्यकता है और कॉन्सेंट्रीना वायर आपकी इसी जरूरत को पूरा करती है आपने अक्सर आर्मी फैक्ट्री खेतों और घरों की चार दीवारियों पर एक कांटेदार तार को लगे या तंगे देखा होगा वही होती है कॉन्सेंट्रीना वायर। ये प्राय स्टील की बनी होती है एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड मार्केट में कभी खत्म नहीं होगी मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तरक्की पक्की इस बिजनेस को आप अपनी क्षमता के अनुसार शुरू कर सकते हैं वहीं अगर नजर डाले इसके आंकड़ों पर तो साल 2021 में इसकी ग्रोथ वैल्यू चौरासी बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जिसके साल 2026 तक 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है साल 2021 से साल 2026 के दौरान सी में इसकी वृद्धि दर चार दशमलव पाँच प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है अफोर्डेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस से जुड़कर आप भी सफल उद्यमी बन सकते हैं बिजनेस आइडियाज़ के के आज के सेशन में हमने आपको हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कटिंग टूल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्सेंटीना बॉयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया से अवगत कराया इन व्यवसायिक विकल्पों को अपनाकर आप अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं धन्यवाद की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा से ही अपनी आजीविका और रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहा है कृषि से जुड़े हुए लोगों को क्लाइमेट चेंज क्रॉपिंग पैटर्न लो प्रोडक्टिविटी अंडर डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज जैसी बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही प्रभावित करते रहे हैं लेकिन अब वक्त बदल रहा है जिस तरह से विज्ञान और तकनीक में प्रगति हो रही है और किसानों और कृषि से जुड़े लोगों में जागरूकता बढ़ रही है उसी तरह से नई और बेहतर तकनीक देखने को मिल रही है और कृषि से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी देखने को मिल रहा है ऐसे ही एक निवारण जो फार्मिंग और क्रॉपिंग की बहुत सी समस्याओं का समाधान बनकर हमारे सामने उभर कर आया है वो है ग्रीन हाउस ऑटोमेशन अब बात आती है कि ग्रीन हाउस ऑटोमेशन है क्या और उसका उपयोग क्यों किया जाए क्रॉप्स अच्छी और फेवरेबल परिस्थितियों में ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं ग्रीन हाउस ऑटोमेशन आपको अपनी फसलों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने देता है जो बाहरी प्रभावों के लिए रिएक्टिव सोल्यूशन प्रदान कर सकता है सरल शब्दों में कहा जाए तो ग्रीन हाउस ऑटोमेशन आपकी कृषि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है अब एक ऐसा सवाल उठता है जो कही कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस ऑटोमेशन ओनर के मन में कभी ना कभी जरूर आता होगा क्या ये वास्तव में इन्वेस्टमेंट के लायक है क्या मेरे कर्मचारी इस नई व्यवस्था में ढल पाएंगे और एक ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम को समझकर उसको नियोजित कर सकेंगे इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने के के लिए लिए और इसके फायदे आपको बताने के लिए। आज की बिजनेस पाठशाला के सेशन में हमने ग्रीन हाउस ऑटोमेशन के बारे में बात की और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना और समझा थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन आज के सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये सेशन बेहद फायदेमंद साबित हुआ होगा अब हम अपना YouTube लाइव -like सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन आप कहीं भी जाइएगा नहीं जैसा कि आप जानते ही हैं अभी आप जूम सेशन के माध्यम से हमसे जुड़े रह है सकते हैं जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा तो अगर आपके मन में आज के विषय को लेकर कोई भी सवाल है या ऐसी कोई भी दुविधा है या शंका है जिसका आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं ऐसा कोई पॉइंट है जिसको लेकर आप डाउट में हैं और वो डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं किसी पॉइंट को लेकर आप ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब लाइव सेशन ओवर होने के बाद जूम सेशन से जरूर जुड़िए वहां आप अपने सवाल डायरेक्टली एक्सपर्ट सर से पूछ सकते हैं और अपनी शंकाओं के समाधान अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं तो YouTube लाइव like सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं अगले सेशन में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिए नमस्कार धन्यवाद